गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 11 मार्च 2020 और दोस्तों जो टॉप 10 करंट अफेयर्स की अपने सीरीज शुरू की थी उसका अपना दोस्तों आज साल 2020 का ये 71 नंबर का सेशन है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाल वाले बटन को दबाकर इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों कुछ चंद मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना सेशन शुरू करना चाहेंगे अपन। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य जो होता है दोस्तों वो लिफ्ट की तरह होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है दोस्तों, लिफ्ट जो है वो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर जो सीढ़ी है दोस्तों वो हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। लेकिन जो सीढ़ी है दोस्तों वो हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों मेहनत सीढ़ियों की तरह है और सीढ़ी हमेशा ऊंचाई की तरह ले जाती है, तो मेहनत दोस्तों हमेशा ऊंचाई की तरफ ही लेके जाती है। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों कल का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे था कि FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्यूरिख। ज्यूरिख में FIFA का मुख्यालय स्थित है। FIFA फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों वह है गोविनानी इन्फेंटिनो। गोविनानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और इसकी स्थापना दोस्तों 21 मई 1904 में की गई थी। 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर एक है दोस्तों आप आज का अपना कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इसका, लुसाने में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है अंतर्राष्ट्रीय की, उसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी, सॉरी उसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों कब की गई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1894 में। 1894 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित दोस्तों दो पहला क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन इसी से संबंधित थे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि अपन को बातें ध्यान रखनी है, वह है कि एक तो इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष है और इसके जो महानिदेशक है वह है क्रिस्टोफ डे कोपर। क्रिस्टोफ डे कोपर इसके महानिदेशक है और इसकी स्थापना दोस्तों 1894 में की गई थी। फ्रांस के पेरिस शहर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का दोस्तों उपाध्यक्ष आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो दोस्तों राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है और जो अमिताभ कांत है दोस्तों वो नीति आयोग के CEO है। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी है ये वो नीति आयोग के अध्यक्ष है। नरेंद्र मोदी जी क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों करंट का प्रधानमंत्री होता है वही दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के CEO है अमिताभ कांत, अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष है दोस्तों राजीव कुमार। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ब्रिटेन की कंपनी वन वेव का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एक ब्रिटेन की कंपनी है दोस्तों वन वेव का दोस्तों मुख्यालय अपन को बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लंदन। लंदन में ब्रिटेन की कंपनी वन वेव का मुख्यालय स्थित है।
वन वेब दोस्तों एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन शहर में स्थित है, और इसके दोस्तों सीईओ जो है वो एड्रियन स्टेकेल है। एड्रियन स्टेकेल इसके सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अपना अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपना अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? 1946 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना की गई, अब यह बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लुसाने। लुसाने शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट में दोस्तों कुछ नाम अजीब सा है, AIBA, शुरू फर्स्ट का ए इसमें साइलेंट है, अगला आई का इंटरनेशनल, बी का बॉक्सिंग, ए का एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में इसका मुख्यालय स्थित है, और इसके दोस्तों अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन। डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD का अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका अध्यक्ष है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गिल्बर्ट एफ होंगबो। गिल्बर्ट एफ होंगबो, गिल्बर्ट एफ होंगबो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के वर्तमान में अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इसकी स्थापना दोस्तों 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। IFAD की दोस्तों अपन बात करें तो यह है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय कोष है, कृषि विकास का ये एक अंतर्राष्ट्रीय कोष है, और इसकी स्थापना 1977 में दोस्तों की गई थी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वह है गिल्बर्ट एफ होंगबो। गिल्बर्ट एफ होंगबो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और इसका मुख्यालय दोस्तों इटली के रोम शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। इटली के रोम शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NHPC का मुख्यालय दोस्तों आपको बताना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। फरीदाबाद में NHPC का हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अपना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC का अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन है? अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक दोस्तों आपको बताना है NHPC का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अभय कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए अभय कुमार सिंह। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन NHPC का अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक है अभय कुमार सिंह। NHPC होगी दोस्तों नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक होंगे दोस्तों इसके अभय कुमार सिंह, और मुख्यालय है दोस्तों इसका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में की गई थी। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है कि गो एयर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? दोस्तों जो गो एयर है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि विनय दुबे है, सत्य नडेला है, संजय कोठारी है, या सज्जन जिंदल है। इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों इस वीडियो की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाल वाले बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने का इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।